क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हूं मैं। मेरी अपनी बहन ने मेरी बेटी पर इल्जाम लगा दिया कि उसने चोरी की है। अलमारी खाली कर रही हूं ताकि आकर वो देख ले। नवीद पूछे पूछे इससे किसने चोरी की है। ले लो पूरे कमरे की तलाशी, बल्कि पूरे घर की तलाशी ले लो। आप ही, मेरा वो मकसद नहीं था। मैंने सिर्फ पूछा था कि जोया अगर खबरदार अगर मेरी जोया का नाम अपने मुंह से लिया तो। भाई आप ही ने कहा था ना कि सिद्रा से शादी कर लो। शादी कर लोगे, दोनों बहनें एक साथ रहेंगी तो बहुत पुरसकून माहौल होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। अब देख लें अपनी दूरअंदेशी का नतीजा। मेरी नीयत तो ठीक थी भाई, मुझे क्या पता था हमारी नेक नीयत ही ये रंग लेके आएगी। सिद्रा तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तुमने ऐसी कच्ची और बेकार बात करने से पहले ये नहीं सोचा कि इसका क्या असर होगा तुम्हारे बहनोई और तुम्हारी बड़ी बहन के दिलों पे? सही भाई, मुझे माफ कर दे, मेरा हर किस्म मकसद नहीं था। जोया मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है, उसके बारे में मैं ऐसा वैसा सोच भी नहीं सकती। मेरा यकीन करें, मैंने सिर्फ पूछा ही था और आप ही ने गलत समझ गलत मतलब ले लिया। हाँ? तुम्हारी अंगूठी चोरी हुई है, तुम्हारे अंदाजे ने बताया कि चोरी मेरी बेटी ने की है। तुम्हारी अंगूठी चोरी हुई है, तुम्हारे तो दिल में रह जाएगी ना ये बात। आप ही, मैं अलमारी में ही देखूंगी, वहीं कहीं होगी, और अगर नहीं भी मिली। मैं कह रहा हूँ छोड़ें इस बात को, यूं समझ लें जान का सदका निकल गया। खामखा एक छोटी अंगूठी की वजह से रिश्ते खराब कर रहे हैं आप लोग। ये बात इसे सोचनी चाहिए थी कि किसके बारे में क्या बात कर रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोटी बहन है तुम्हारी, माफी मांग रही है, जाने दो बात को, गले लगा लो उसे, माफ कर दो। मेरे तो दिल में ये बात रहेगी ना, मेरी बेटी का नाम लिया है इसने। I'm really sorry आपी, यकीन करें मेरा वो मकसद नहीं था। I'm sorry. Please. Sorry.